तो बेटा यहाँ पे देखिए, तो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि बेटा आप लोगों ने रे के बारे में सुना हुआ है, तो अगर रे को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रे, तो रे को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? शाबाश बेटा, सर, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा इसको सिंपली अगर हम बात करें, रे जो है एक लाइट है जो कि एक पाथ को फॉलो करती है। 10th क्लास तक बेटा रे को हम ऐसे मानेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में जो इस पाथ को फॉलो करे उसको हम रे कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे लाइट जो है अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो हम कह देंगे कि ये रे है। और अगर मैं इसको ही रे को ऐसे दिखा दूं कि एक रे की जगह यहाँ पे 3 4 5 6 10 15 ऐसे रेज जाए कॉन्टिन्यूशन में, ऐसे काफी रेज जा रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बंडल ऑफ रेज को, इसको हम बीम कहते हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पता है बेटा आप लोगों को, सुना होगा बेटा इसके बारे में। रे ऑफ लाइट सिंगल को कह देते हैं, अगर बंडल में हो जाए तो उसको बीम कह देते हैं। यस और नो बेटा? यस सर। तो बेटा यहाँ पे देखो कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स और देखो, अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन से पहले बेटा थोड़ा सा इसी को लाइट को ही समझो बेटा, लाइट को ही समझो बेटा। लाइट जो है बेटा, लाइट ये एक बड़ा अजीब तरह का कंसेप्ट है बेटा। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कहता कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर अगर लाइट चल रही है, ठीक है, और मैंने उस रूम को पूरी तरह ब्लैक कर दिया, तो बेटा उस लाइट को जैसे मैं ऑफ करूंगा तो वो लाइट एकदम से कहाँ पे जाती है बेटा? तो उसका सिंपल सा आंसर क्या दोगे बेटा? एक रूम के अंदर लाइट चल रही है तो एकदम से लाइट को ऑफ कर देते हैं, तो वो जो लाइट रूम के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, तो वो लाइट कहाँ पे चली जाती बेटा? तो उसका क्या आंसर होगा बेटा? सर, जो बाकी की चीजें थे वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। वेरी गुड। तो बेटा सिंपल सा आंसर है कि लाइट जो है वो जाती कहीं नहीं है, लाइट तो वहां भी प्रेजेंट थी बट जो ऑब्जेक्ट वहां पे पड़े हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते बेटा, समझ रहे हो? जैसे कि वॉल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, जो भी उस रूम के अंदर या वॉल के अंदर होंगे वो सारे के सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वेरी गुड बेटा। तो बेटा यहाँ पे लाइट का फिनोमिना तो समझ आ गया, चलो ठीक है। तो बेटा लाइट जो है वो दो तरह की होती है, एक तो लाइट बेटा जो होती है दैट इज हम कह देंगे कि वेव की तरह फॉर्म करती है, वेव नेचर को फॉलो करती है, और एक जो होती है बेटा वो पार्टिकल नेचर में होती है, पार्टिकल नेचर। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं बेटा? अगर मैं बात करूं, ये बेटा ओलंपियड, एनटीएससी ओलंपियड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वैसे तो काफी बार, कि लाइट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, मतलब कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है बेटा, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। लाइट का जो नेचर होता है वो सिर्फ इतना ही दिया, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या, लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर रही है। तो बेटा इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है, वैसे तो साइंटिस्ट लोग अभी तक भी इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि वेव क्या और पार्टिकल क्या है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि लाइट का ना मास नहीं होता, लाइट का मास नहीं होता, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि लाइट जो है उसका मास होता है। तो बेटा आपके अकॉर्डिंग कौन सा कंसेप्ट सही लग रहा है, या दोनों चीजें हो सकती हैं, क्या लाइट का मास होता है कि नहीं होता बेटा? जैसे हवा चलती है तो आपको एकदम से मतलब कि फील होती है, क्या लाइट भी फील होती है बेटा? नो सर। नो। तो बेटा यहाँ पे समझना ध्यान से, न्यूटन और आइंस्टाइन दो बड़े बड़े साइंटिस्ट, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा बेटा दोनों का, न्यूटन और आइंस्टाइन, इन दोनों ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है, ठीक है। तो बेटा ये माइक्रोस्कोपिक पार्ट पार्ट पे अगर आप जाओगे ना तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आएगा कि
तो उन्होंने इसके प्रूफ भी किए हुए हैं, ठीक है। तो करके बेटा लास्ट में एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, उसने कहा था कि लाइट जो है ड्यूल नेचर है, वो दोनों तरफ बिहेव करता है। ये आप हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ोगे। अभी तक ये कहना कि लाइट का मास नहीं होता तो ये भी गलत है, और लाइट का मास होता है ये भी गलत है बेटा। अगर आप देखोगे तो समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो अभी के लिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि लाइट का ड्यूल नेचर है। दो नेचर कैसे हैं कि समटाइम लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल नेचर एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव नेचर। क्योंकि इन्होंने रिसर्च की जब मशीन के ऊपर वर्क कर रहे थे तो कभी वो मास की तरह बिहेव करवा रहे थे, क्योंकि इसके अंदर लाइट को जब हम डेप्थ में लेके जाते हैं तो इसके अंदर पार्टिकल्स देखते हैं, पार्टिकल्स देखते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिल रहे थे बेटा। तो वो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स मिल रहे थे तो वो उनकी प्रेजेंस हमें बता रही थी कि वो पार्टिकल नेचर है, बट वो मेजर नहीं कर पाते बेटा हम। तो अभी तक इसके ऊपर बहस चल रही है बेटा, हम कंफर्मेशन से कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो पर हाँ, जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ इतनी लाइन जरूर लिखी होती है लाइट हैज ड्यूल नेचर, मैंने उसको एक्सप्लेन किया ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बुक में लिखा होता है और बताया जाता नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, और कैसे होता है, इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेव एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है वो वेव नेचर को फॉलो करते हैं, पर हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूफ के साथ बताया था कि पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसके करके हम इसको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। पर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने वेव नेचर के ऊपर भी प्रूफ किया हुआ है, तो करके अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। चलो इसके ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वॉल, ये एक वॉल है, सिंपल सा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहां से एक रे आई इसको हिट कर रही है, तो बताओ कितने एंगल से ये वापिस जाएगा, सेम एंगल से या डिफरेंट एंगल से, अगर सरफेस स्मूथ है। सर सेम एंगल से। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, आई, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई के इक्वल आ जाता है। तो ये बेटा पहला लॉ होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ है। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना और आंसर देते रहना स्पीड से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बेटा आप आगे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिर से, ये एक मिरर है, अगर मैं बात करूं यहां से रे आई, ये सरफेस पे हिट की और ये टकरा के वापस चली गई, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल, एक सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, यहां से राइट, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ओके। तो बेटा दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल, दिस एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल, यस और नो? यस सर। अगर मैं इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री शिफ्ट करवाऊं तो रिफ्लेक्टेड एंगल में कितना शिफ्ट आएगा और कैसा शिफ्ट आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 30 डिग्री। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एंटी क्लॉक वाइज अगर कोई भी एंगल प्लेन मिरर में एंटी क्लॉक वाइज जितना भी शिफ्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड में उतना ही शिफ्ट आएगा क्लॉक वाइज में, समझ रहे बेटा, एंड वाइस वर्सा। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट टर्म, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फिर से मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, राइट, दिस इज अ प्लेन मिरर। मैंने कहा इसके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इस मिरर से फाइव सेंटीमीटर दूरी पे है।
तो बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी, कहां पे बनेगी? सर मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। वेरी गुड, तो जितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है उतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन जाएगी। दैट इज 5 सेंटीमीटर पे अगर खड़ा हुआ है तो इसकी इमेज भी जो बनेगी दैट इज 5 सेंटीमीटर पे बनेगी। एक सेकेंड बेटा, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा। 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। तो बेटा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे बात करता कि फिर से ये मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और मैंने कहा फिर से एक मिरर है, अगेन दिस इज अ मिरर। तो मैंने कहा कि इस मिरर के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और फिर इसके पैरेलल में एक और मिरर रख दिया, तो ये जो है यहां से ऐसे ये मान लो 3 सेंटीमीटर पे है, राइट? एक 2 सेंटीमीटर पे, दूसरा 3 सेंटीमीटर पे है। तो बेटा इसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? अगर ये जो सेंट्रली है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, टू होते हैं। तो बेटा ये ना लोअर क्लास का क्वेश्चन है, ये बड़ा छोटी क्लास में आपको करवाया जाता है जब 2 पैरेलल मिरर पड़े हों। बेटा बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड करो, कितनी इमेजेस बनेंगी? शाबाश सर इन्फिनिटी। बेटा, इसकी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी। वेरी गुड, क्योंकि ये जो है हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, पैरेलल मिरर पढ़ा हो तो उसकी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती हैं। समझ आ रहा है बेटा ये वाला पॉइंट यस सर। आपने? हाँ, तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती है। पर ये क्वेश्चन ये तो इजी था, ये तो हर बच्चे को पता होती थी। एक्चुअल में मैंने आपको जो चीज करवाई हुई है वो ये देखो, मैंने आपको एनटीएस और ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट दिया था इसमें, ठीक है? मैंने क्या दिया था, मैंने कहा कि एक बार एनटीएस वालों ने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया था कि ये मिरर है और एक ये मिरर है यहाँ पे, राइट? ये 2 मिरर हैं और उन्होंने बोला था कि यहां पे अगर सेंटर में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर ये फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट बनेंगी, ये तो हमें पता है। इसकी सेकंड सेकंड इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगी बेटा? क्वेश्चन ये था कि इसकी सेकंड सेकंड इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगी। डिस्टेंस ऑफ सेकंड सेकंड इमेज क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस तो सर बेटा इसको इसको करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। सिंपली आपने क्या करना होता है, यहां से एक रे उठाई। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ इनके लिए, मैं ना रेड यूज कर रहा हूँ फर्स्ट इसके लिए। यहां से एक रे गई होगी, यस और नो? और ये टकरा के यहां से गई होगी, क्योंकि इन्फाइनाइट रेज होती है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक रे नहीं होती, यहाँ पे इन्फाइनाइट रेज होती है, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देखो, इस रे के करके यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही होगी पीछे 2 सेंटीमीटर पे, क्योंकि पहली इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर पे बनेगी अगर ये 2 सेंटीमीटर पे है, यस और नो? यस सर तो इसका सर मतलब इसकी जो पहली इमेज बनी वो कितने डिस्टेंस पे बनी? इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया मिरर के इमेज इमेज के बनने का तरीका क्या था?
यहां से गई टकराई और ये इमेज बन गई। यहां तक समझ आ गया बेटा? यस जैसे जैसे यहाँ पे इमेज बनी होगी, यहाँ से गई होगी, टकराई होगी, यहाँ से ऐसे टकराई होगी, तो इसकी इमेज जो है इसके यहाँ से ऐसे बनी होगी। तो चलो वो बात की बात है, एक रे ऐसे गई होगी, ठीक है, तो ऐसे इमेज बनती है। यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसी को समझाता हूँ। अब देखो बेटा, इसकी दूसरी इमेज, इसकी दूसरी इमेज देखो बेटा, यहाँ से जो रे टकरा के यहाँ तक पहुंची है, अब ये देखो ध्यान से समझना, ये जो इमेज बनी है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज बनी है ये इस मिरर के लिए किस चीज का काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर से बेटा, ये देखो इमेज बन गई, तो ये जो इमेज, इसकी रे जो है वो दूसरे मिरर पे पड़ रही है बेटा कि नहीं पड़ रही? यस और नो? पड़ रही है सर। तो बेटा इसका मतलब ये जो रे है, ये जो इमेज बन रही है, ये दूसरे मिरर के लिए किस चीज का काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, बताओ ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पे है? ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पे है सर? 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर। हाँ समझ रहे बेटा, यहां से स्टार्ट किया 3 और 2 5, तो कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी भी इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? फाइनली 5 सेंटीमीटर पे। ये समय है बेटा इमेज इसकी कैसे बनी 5 सेंटीमीटर पे? यस और नो? यस यस सर। ओके तो बेटा इसके बाद देखो, अब अगर मैं बात करूं यहां से, देखो एक रे तो मैंने पहले मिरर पे टकराई, दूसरी रे यहां से भी गई होगी, यस और नो? तो ये टकरा के यहाँ से ये भी क्या करेगी? ये टकराने के बाद वापस ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसकी भी जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस में बनेगी? अगर ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी कितने डिस्टेंस में बनेगी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। तो यहाँ पे इसकी मतलब, यहाँ पे देखो ये बन गई 1 सेंटीमीटर पे। अब ये जो रे, यहाँ पे देखो ये जो इमेज बनी है, ये इस मिरर के लिए किस चीज का काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। समझ आ रहा है बेटा? इसकी पहली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब बताओ कितने डिस्टेंस पे है ये टोटल? सो 4 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है? 4। समझ रहे हो? इस पॉइंट से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? 4। क्लियर? अगर ये 4 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बन गई है? 4 सेंटीमीटर। महिमा क्लियर है बेटा? यस सर। तूने किया है ना ये, इसका शॉर्ट ट्रिक भी करवाया हुआ शायद तेरे को? नो सर। अच्छा यस बोल दिया। ओके तो बेटा यहाँ पे देखो, ये तो था छोटू सा क्वेश्चन। अब आगे देखो बेटा, ट्राई करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइक दिस सेंटर में बनाते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस आप लोग डिसाइड करो बेटा कितना कितना रखना चाहते हैं। बताओ कितने डिस्टेंस पे रखें? सर 2 पे ही रख लेते हैं। हाँ, और ये कितने पे रखें? 3 4। चलो बेटा सॉल्व आप नहीं करना, जैसी मर्जी स्टेटमेंट दे दो, मेरे को मेरे चाहे तो 0.2 दे देते, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं, बताओ इसकी थर्ड इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो बेटा ये थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, थर्ड इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी? समझ आ गया क्वेश्चन बेटा? यस सर, समझ आ। ओके तो पहली पहली इमेज तो डायरेक्ट ही बना दो 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, बिना बिना हम रे बनाए ट्राई करते हैं बेटा। ये देखो पहली इमेज 2 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे? 4 सेंटीमीटर पे। यस और नो? यस और नो बेटा? तो ये 2 सेंटीमीटर इस मिरर के लिए कैसा काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम। कैसा काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम। समझ रहे हो ना बेटा? पीछे वाले पे आ जाओ, ये देखो इसकी पहली इमेज I1 इसकी दूसरी इमेज का कारण था बेटा। समझ आ रहा है बेटा?
इसकी पहली इमेज ये देखो, इसकी दूसरी इमेज का कारण, इसकी पहली इमेज इसकी दूसरी इमेज का कारण है, समझ आया बेटा ये वाला? यस सर हाँ, तो इसका मतलब इसकी जो दूसरी इमेज होगी इसकी तीसरी इमेज का कारण होगी, यस और नो? क्योंकि ये देखो ध्यान से यस समझना, अगर मैं यहां से देखता, ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी फाइनल इमेज कुछ ऐसे, मिरर बेटा आपने ऐसे नहीं सोचना कि मिरर खत्म हो गया, एक्चुअल में इनफाइनाइट रेज होती हैं, तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये इमेज कुछ ऐसे पीछे कहीं पे जाके बन जाएगी, ध्यान से समझना। ये डिस्टेंस कितना आ गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, कितना डिस्टेंस आ गया? दो दो चार, एक पांच, या फिर चार दो छह सात, 7 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस आ गया? 7 सेंटीमीटर समझ आ रहा है बेटा? ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर कहां से लेके कहां तक का था बेटा? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर और ये कितना? 3 सेंटीमीटर, टोटल 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस था इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, वो कितना था? 7 सेंटीमीटर। ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, और कितने डिस्टेंस पे थी? 7 सेंटीमीटर पे। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 7 सेंटीमीटर पे, यस और नो? यस सर थोड़ा ना कंफ्यूज मत हो ना, मैं थोड़ा टफ करूंगा इसके बाद। और पहली पहली इमेज तो समझ आ गई, अच्छा ठीक है, ये लो ये गई रे, यहां से टकराई होगी, ये ऐसे गई तो इसकी इमेज बन गई यहाँ पे, ओके। तो इसकी जो पहली इमेज थी इसकी दूसरी इमेज का कारण है, तो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? ये टोटल कितना है? 6, और ये कितना डिस्टेंस है? 2, कितने पे बन गई? 8 सेंटीमीटर एट समझ आ रहा है सेंटीमीटर बेटा? बेसिकली मैथ ही कर रहे हैं हम, और तो कुछ खास कर ही नहीं रहे। फिर से देखो, ये जो इसकी पहली इमेज थी, इसको मैं दूसरे के साथ दिखा देता हूँ, ये कितने डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर पे, ओके। तो इसकी इमेज बन गई 4 सेंटीमीटर पे, क्लियर? तो इसकी पहली इमेज इसकी दूसरी इमेज का कारण है, यस और नो? तो कितना डिस्टेंस है? ये 4 और ये 6, तो टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटा यहां तक? अब देखो यस ये, अब येलो वाले पे आ जाओ, येलो वाले पे आ जाओ। अब ये देखो, इसकी दूसरी इमेज इस साइड की तीसरी इमेज का कारण होगी, तो ये 8 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है टोटल? 6 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल कितना हो गया फोर्टीन बेटा? 14। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे बन गई इमेज? 14 सेंटीमीटर, यस। सेंटीमीटर ये समझ आ रहा है बेटा? इसको एक्सटेंड कर दो बेटा, इसको ऐसे नहीं खत्म कर दिया, ठीक है? तो ये 14 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा? अब यस सर ये बताओ बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसकी दूसरी इमेज इसकी तीसरी इमेज का कारण होगी, तो बताओ कितने पे बनेगी? ये टोटल 10 है और ये 16, कितने पे बनेगी 16 बेटा? अब यहाँ पे देखो, ये तो चलो तीन तीन तक है, अगर मैं कह देता इसकी एट से एट इमेज निकालो, तो बेटा आप लोग पागल हो जाओगे ऐसे रे बनाते बनाते ही, ठीक है? समझ आ रही है बेटा? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाओगे बेटा, बार बार बनाई जाओगे, गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेटा इसको करने का एक ट्रिक देखो आप, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक, बिना डायग्राम ड्रॉ किए हमने क्या मानना है? सबसे पहले हमने ये दो पॉइंट ले लेने हैं, एक 2 है और दूसरा कितना है? 4 है, ओके। तो एक 2 लिया और दूसरा क्या ले लिया? 4। दोनों को ऐड करो कितना बनता है बेटा? सिक्स 6, सिक्स ओके। तो बेटा यहाँ पे देखो, 2 प्लस 6 कितना हो गया? एट 8। 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 10 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 16 एट प्लस सिक्स कितना हो गया? 14। तो बेटा फोर्टीन यही सीक्वेंस तो दिख रहा है हमें, ये देखो। ओके, तो ये सीक्वेंस ही तो करवाया सर ने अभी आपको, समझ आ रहा है बेटा? सेम टू सेम सीक्वेंस आ रहा है, यस समझ सर गए?
अब इसके साथ आपने 8th से इमेज भी निकालनी है तो कितना टफ है, आपने बस इसको आगे ही बढ़ाना है, करो इसको आगे 8th तक लेके जाओ। चेक करो 44 और 46 आ रहा है, शाबाश। महिमा कर रही है बेटा? यस सर। ओके चेक करो बेटा 44 46 आ रहा है। यस सर आ गया, वो ही आया। ओके महिमा पटाफट करो बेटा, दीनिया जल्दी बताओ। यस सर वही आ रहा है। यस अभी यहाँ पे एक लॉजिक दूं बेटा, अगर मैं ये 8th की जगह अगर आपको मैं 18th कह देता या 20th कह देता इमेज निकालना, बेटा फिर से आप परेशान हो जाते, लिखते जाते क्रॉस मारते जाते। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है दो तीन इमेजेस निकालने के लिए, ये तो ओलंपियड तक इतने लेवल तक ऐसे करवा देते हैं। बट बेटा अगर इससे भी कोई टफ एग्जाम होता और एग्जामिनर जो सनकी होता वो कहता कि 28th इमेज निकाल या 128th इमेज निकाल, तो बेटा पूरा पेपर ही आप इस इमेज को निकालने में लगा देते। यस और नो? चाहे आपको शॉर्ट ट्रिक पता होता, बट शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट ट्रिक देखो अब आगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक के आगे शॉर्ट ट्रिक देखो बेटा। तो बेटा इसमें देखो अब इसको अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बेटा ये था, एक सेकेंड इसको रेस कर देते हैं या इसको मैं रेस कर देता हूँ। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखो अगर मैं ध्यान से, मेरे को मैथ्स आता है मैं मैथ्स का यूज करूंगा। अब मेरे को इन्होंने बोला 3rd इमेज निकालने के लिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ओके तो 3rd इमेज निकालनी है तो दोनों के बीच का गैप कितना था 6। यस और नो? यस सर। 6 3 था, जो जो इमेज निकालने का बोला है उसको डायरेक्टली दोनों को एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18। यस और नो? यस। 18 से 2 माइनस किए कितना आ गया 16। 18 में से 4 माइनस किए कितना आ गया 14। आंसर नहीं आया आपको? नहीं आया बेटा? आप लोगों को बता दो, ये देखो बेटा दोनों को ऐड किया कितना आया 6। मैंने कहा 3rd इमेज निकालनी थी, 3rd इमेज कितने पे थी 14 और 16 पे, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 18। 18 को 2 के साथ माइनस करोगे कितना आएगा 16, और 18 को 4 के साथ माइनस करोगे तो कितना आएगा 14। अब देखो 8th इमेज निकालने को बोला, दोनों का एडिशन 6 है तो 6 8 था 48 में से 2 गए कितना आया 46 और दूसरे वाला कितना आ जाएगा 44। समय आ रहा है बेटा? बट बेटा इसमें भी बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो क्यों करेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ रेज करके, ध्यान से देखना क्या गड़बड़ करेंगे मैं वो बता। जब मैंने कहा 3rd में निकालनी है तो मेरा आंसर कितना आया 18, 18 में से मैंने 2 माइनस किए तो यहाँ पे लिखा 18 में से 2 माइनस किए, मैंने इससे लिखा आंसर इसका 18 माइनस 2 का इधर लिखा और 18 माइनस 4 का इधर लिखा। यस और नो? यस सर। मतलब फर्स्ट वाले का इधर लिख रहा हूँ, सेकंड वाले का मैं इधर लिख रहा हूँ। अब दूसरे वाला देखो 48 आया, 48 में से 2 माइनस किए कितना होता है 46।
इधर आ रहा आंसर आपका क्या, इस साइड आ रहा है 46 सर, राइट साइड। इस साइड आ रहा है नो सर, दूसरी वाली राइट साइड आ रहा है। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो ये 46 आ रहा है आपका है ना, तो इसका यहाँ पे 44 आ रहा है ना। तो 48 माइनस 2, अब ये देखो 40, अब जब मैं इसको माइनस करूँ 48 माइनस 2 तो आंसर हाँ। तो बेटा इसका ऑड इवन का भी चक्कर होता है, अब देखते हैं इसमें कितना फर्क आ रहा है। तो इसकी 48 में से 2 माइनस किया 46, सेम ही आ रहा है ना, सेम साइड ही आ रहा है, फर्क तो नहीं पड़ा कोई। नो सर हाँ सेम ही आ रहा है बेटा। वैसे इवन ऑड का फर्क पड़ता है, मैं दिखाऊंगा कब पड़ता है, जब ये दोनों का एडिशन जो करके आए, जैसे 2 और 4 ना, 2 और 3 होता है, इनका एडिशन 5 आता तो पंगा पड़ता है उस क्वेश्चन में, तो वो मैं पंगा दिखा सकता हूँ आपको ठीक है। पर अभी के लिए रहने दो, इतना सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना ईमानदारी से, देखते हैं कौन करता है पहले। समझ तो आ गया बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक क्या, एक और शॉर्ट ट्रिक आगे देखो। अब तो बेटा आप कर सकते हो, बताओ कितना डिस्टेंस रखना है, क्वेश्चन आप अपने आप बनाओ। शाबाश, मैं रख दूं 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, इसकी निकालो आप 12th इमेज, शॉर्ट ट्रिक के साथ करो बेटा। सर 242 सेंटीमीटर और 241 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। यस सर, राइट साइड पे 242 और लेफ्ट साइड पे 241। राइट पे 241 सर, दूसरी साइड पे कर दूंगी। महिमा चेक करो बेटा। ओके शाबाश महिमा, जल्दी करो चेक करो शाबाश। यस सर सेम आ रहा है। ओके तो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म होती है एक रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस के बाद मैं लॉज पे एंटर कर दूंगा, दो लॉ हैं बेकार से लॉ हैं जो आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं। तो बेटा रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सरफेस में से, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस डिवाइड बाय, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। समझ आया बेटा, यस और नो? यस सर। बेटा यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन दूंगा, सिंपल सिंपल वर्ड में समझाना। मैंने कहा कि यहां से लाइट पड़ी 100 और ये लाइट आई 95, तो बताओ इसने कितना इसकी रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कितनी रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेंस, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट की, कितनी की रिफ्लेक्ट बेटा, 0.95 डिवाइड बाय 100, मतलब सिंपल है 0.95, मतलब 95%। समझ आया बेटा? तो बेटा ये जो एग्जांपल दी ना मैंने, ये जो एग्जांपल दी है अगर आप देखोगे ध्यान से तो सिल्वर की एग्जांपल है बेटा, सिल्वर जो है उसकी रिफ्लेक्टेंस इतनी होती है 95%। So silver has the reflectance of 95%, ठीक है। और अगर मैं यही कोयला रख देता, कोल, तो बेटा सिर्फ
4% तक की रिफ्लेक्टेंस होती है, हमें तो दिखता भी नहीं है, इतनी ज्यादा कम, मतलब सारी की सारी लाइट ही अप्रोक्सीमेटली अब्सॉर्ब कर लिया उसने, समझ रहे हो बेटा? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे एंटर करते हैं लॉज में, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो यहां से एक रे आई, ये मिरर को हिट की, हिट करने के बाद ये वापिस गई, तो बेटा ये जो नॉर्मल बनाते हैं इसका क्या लॉजिक होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, इस नॉर्मल का क्या मतलब होता है बेटा? सर वो एक लाइन होती है राइट एंगल, मिरर के राइट एंगल पे। बेटा शाबाश, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल वर्ड में देखो, नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन वर्ड यूज करो मैं, ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर के ऊपर, मतलब सरफेस अगर ऐसे पड़ा है तो मैं उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल आ गया, सरफेस अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल आ गया, अब सरफेस इस फॉर्म में पड़ा हुआ है तो ये इसका क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करने का लॉजिक क्या होता है बेटा, जब हम इंसिडेंट रे भेजते हैं तो हम एक एंगल को मेजर करना चाहते हैं, नॉर्मल के साथ हम मेजर करवाते हैं, जितनी भी फिजिक्स में आप टॉपिक करोगे तो नॉर्मल के साथ ही मिरर में, तो चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रेक्शन हो, तो हम नॉर्मल को एक्सटेंडेड मान लेते हैं, उस नॉर्मल को लेके ही हम इंसिडेंट एंगल निकालते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल निकालते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल निकालते हैं। सो दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट बेटा? यहां तक समझ गए? यस सर। तो बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये कौन सा लॉ है? दिस इज फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, सेकंड लॉ क्या होता है बेटा? इंसिडेंट रे और कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, बेटा अगर प्लेन की जगह पॉइंट वर्ड भी लिखा हो ना किसी बुक में तो वो भी गलत नहीं है। क्यों ये गलत नहीं है बेटा? यहाँ पे देखो, ये प्लेन देखो, ये एक पॉइंट है, इंसिडेंट रे भी इस पॉइंट पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इस पॉइंट पे आ रही है, देखो नॉर्मल भी इस पॉइंट पे आ रही है। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, इस प्लेन के अंदर ही इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल रे भी है, तो कोई भी वर्ड यूज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, समझ रहे हो? चाहे वो सेम प्लेन लिखा हो चाहे वो सेम पॉइंट लिखा हो, वन ऑफ द सेम थिंग, तो मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। सो वी कैन से सिंपली दिस इज इंसिडेंट रे, इतना बेसिक तो पता होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, हाँ तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि इसकी शेप के ऊपर ही डिपेंड करे प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है, यहां से रे आई, ये टकराई और टकराने के बाद ऐसे चलेगी, तो इसको हम बेटा ऐसे वाले जो सरफेस होते हैं इसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, रेगुलर सरफेस, अच्छे सरफेस जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवाने में हेल्प करते हैं। कुछ गंदे होते हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करवाना चाहते, ये लो यहां से रे आई, बेचारी कहां गई पता ही नहीं चला, ठीक है? तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं है, तो ऐसे वाले जो हैं वो काम के नहीं होते बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करवाते, तो हम कहते हैं इररेगुलर सरफेस, डिफ्यूज्ड सरफेस, रफ सरफेस, समझ आ रहे हैं बेटा? बेकार सरफेस, काम के सरफेस नहीं होते ये वाले। यस और नो बेटा? यस यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये तो समझ आ गया, अच्छा तो इमेज तो बननी शुरू हो रही है, तो यहाँ पे बेटा कुछ इमेजेस ऐसी बनती हैं, ये देखो अगर मिरर के सामने खड़े थे तो इमेज बन रही थी, ओके
अब बेटा इमेज भी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रियल होती है और एक इमेजिनरी होती है या वर्चुअल कह देते हैं सॉरी। तो रियल जो इमेज है वो कैसी होती है और वर्चुअल इमेज है वो कैसी होती है। सबसे पहले इमेज क्या है बेटा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को देख पा रहे हो और देख के घबराते हो कि हाँ, तो वो जो बनती है इमेज, उस इमेज जो आप देख पा रहे हो तो वो इमेज होती है बेटा, सिंपल वर्ड में। तो बेटा वो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। दो पार्ट में इमेज को डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। सुना होगा बेटा, ये लोअर क्लास से सुनते आ रहे हो। यस सर। अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इसका। ओके, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज भी जो होता है वो सेम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं इसको, या रियल इमेज का ही बताता हूँ बेटा। रियल इमेज वो इमेज है जिसमें रेस एक्चुअल मीट करती है बेटा। रेस जो है वो कैसी मीट करती है? एक्चुअल मीट करती है। रियल इमेज की अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूं, अभी एग्जांपल मैं मिरर के साथ नहीं दे सकता, तो इसके लिए मैं बात थोड़ा वेट करो। अभी सिर्फ ऐसे मान लो कि कोई भी रे जो इमेज बनाए, कोई भी रे जो इमेज बनाए, और वो जो इमेज बने वो रेज के एक्चुअल मीट के करके बने, वो रेज के एक्चुअल मीट के करके बने, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। यहां तक पॉइंट समझ आ गया बेटा? यस सर। कोई भी रे, कोई भी रे जो इमेज बनाए, वो जो इमेज बने वो एक्चुअल मीट के करके नहीं, अपीयर्स टू मीट के करके बने। ऐसी रे को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब देखो, क्योंकि वर्चुअल तो आप लोग समझ पाओगे क्योंकि प्लेन मिरर मैंने बता दिया। ये देखो, मैंने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये चुन्नू मुन्नू बना दिया मैंने यहाँ पे, टिचिक टिचिक एंड टिचिक। क्लियर बेटा? Yes, ये मैंने एक छोटा बच्चा बनाया, ठीक है, जो कि मिरर के साइज का है, ठीक है। तो बेटा इसकी, इसके, इस बच्चे की इमेज जो बनेगी वो सेम इसी पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी, जितने डिस्टेंस पे ये खड़ा होगा। समझ गए? थोड़े हाथ पैर ऊपर नीचे हो गए, समझ आ गया बेटा? तो इसकी इमेज कैसे बनती है वो देखो। इसकी इमेज जो बन रही थी ना, वो ऐसे बन रही थी, यहां से एक रे गई होगी, ये मिरर को टकराई होगी, और इसको टकराने के बाद वापस ऐसे इसने अपने पैरों के दर्शन कर लिए होंगे ऐसे। तो बेटा ये इसकी इमेज जो बन रही ना, ये अपीयर्स टू मीट है बेटा। ये देखो, ये रे गई, ये टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बट यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की हैं, ध्यान से समझते रहना बेटा। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ से एक रे भेजी, ओके, यहाँ से एक रे भेजी, ये इसको टकरा के वापिस आ गई, ओके, और ये फिर सीधा चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, ध्यान से समझना बेटा। अब ये वाला पॉइंट जो मैं बताऊंगा ना, ये कंक्लूजन है अब वर्चुअल के लिए। यहाँ पे देखो बेटा, हुआ क्या, एक रे यहां से इसकी आंखों से निकली होगी, इसने इसके पैरों को देखना, अपने पैरों को देखना था इस मिरर में, तो इसने अपने पैरों को देखना था, तो इसने देखा होगा नीचे की तरफ, मतलब मिड पे मिरर के, तो मिड पे देखा, तो ये टकरा के यहाँ पे पैर तक पहुंच गया, तो इसकी वर्चुअली ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की, तो इसने अपने पैरों के दर्शन कर लिए। अब इसने अपने सिर के दर्शन करने हैं, चमत्कारी बच्चा है, आंख भी बेटा यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिखा रहा हूँ बेटा, समझ रहे बेटा, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहां से देखो, ये रे गई, ये टकराने के बाद वापिस आई होगी, तो इसका मतलब इसने अपने इमेज को देखना, तो यहाँ पे डॉटेड अपीयर्स तो देख पा रहा है, तो इसका मतलब ये डॉटेड लाइंस के साथ यहाँ पे इमेज बन रही होगी। यस और नो बेटा? यस सर। तो बेटा ये देखो, ये रे यहां से जा रही है और ये टकराने के बाद वापिस आ रही है, ये रे जा रही है और टकराने के बाद वापिस आ रही है, ये एक्चुअल एक्चुअल रेस थी बेटा, ये एक्चुअल रेस थी,
जो कि मीट नहीं कर पा रही किसी भी पॉइंट पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रे मीट कर रही है वो कैसी रे है, दैट इज अपियर्स टू मीट, डॉटेड लाइंस है, ये कैसी रे है, दे आर अपियर्स टू मीट, ठीक है। जब कॉनकेव मिरर स्टार्ट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से फील आएगी, अभी इतना फील नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि प्लेन मिरर इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं है जितना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। समझ आ रहा है बेटा, जब भी मैं यहाँ पे डॉटेड लाइंस के साथ इमेज को ड्रॉ करूंगा तो वो कैसी इमेज होगी, अपीयर्स टू मीट वाली इमेज होगी, और ऐसी इमेज को हम क्या नाम देते हैं, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। समझ आया बेटा छोटा सा पॉइंट? यस सर। अब बेटा yes, एक yes, बार ना एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर एक बच्चा जो है, यहाँ पे ये देखो ये बच्चा है, इस बच्चे की हाइट मान लो बेटा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का बच्चा है, तो बताओ मिरर जो है, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ध्यान से समझना बेटा जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ वो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेस में इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बड़ा ध्यान से समझना इसको। मैंने एक मिरर लिया, तो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक इमेज बनाने के लिए, इस पूरे पर्सन की इमेज बनाने के लिए हमें मिरर का साइज कितना चाहिए होता है, कितना मिरर काम का मिरर होता है बेटा। समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन? एक मीटर पर्सन की इमेज बनाने के लिए कितना मिरर काम का मिरर है? वन मीटर बेटा, हाफ है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है बेटा। काम का मिरर सिर्फ इतना बेटा, नीचे वाले मिरर पे कोई रे तो डाली नहीं हमने, तो सिर्फ ऊपर वाला मिरर है वो काम का मिरर है। एक तो 50% मतलब कि जितना भी इमेज है, मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, समझ गए? तो काम का मिरर कितना होगा, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज बनाने के लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कुछ पॉइंट समझ आया बेटा? यस सर। एक चीज समझना ध्यान से, मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में हो सकती है वो देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों के नीचे भी मतलब कि नाई होते हैं, कटिंग करने वाले सैलून खोले होते हैं। यस सर। बेटा यस सर। हाँ, तो बेटा वो जो पेड़ों के नीचे बैठे होते हैं तो उनका जो मिरर होता है वो इतना छोटू सा मिरर लगाया होता है, यस और नो? और इसके सामने शेविंग करते हैं, बाल काट रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं इस मिरर को थोड़ा दूर ले जाऊं, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मिसकंसेप्शन वाला क्वेश्चन है, तो करके करवा रहा हूँ, 99.9% बच्चा गलत आंसर देता है। इस मिरर को अगर मैं दूर ले जाऊं और मैं इस पर्सन की इमेज को देखने की कोशिश करूं, पूरी इमेज को देखने की कोशिश करूं, क्या मैं इसको दूर लेके जाने पे इसकी पूरी इमेज देख सकता हूं कि नहीं देख सकता? सर देख सकते हो। अगर ये वो छोटा मिरर है बेटा, ये देखो इतना इतना मुंडी के साइज का है, आंसर इज नो बेटा, यही तो मैंने क्वेश्चन बोला है, मैंने स्टार्टिंग में बोला 99.9% बच्चे गलत देते हैं, आंसर इज नो। तो बेटा इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं, इमेज बनाने के लिए मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ द साइज ऑफ द मिरर मिनिमम। बेटा इसको लर्न कर लो, ये आपको प्लस टू के, जेई के, नीट के, टेंथ के, ओलंपियाड के क्वेश्चन कोई भी आ जाता है बेटा, उन सब में काम का ये पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू फॉर्म इमेज इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ समझ आया बेटा ये पॉइंट? यस सर। तो बेटा 99.9% बच्चों का ये गड़बड़ तभी होता है क्योंकि मिसकंसेप्शन रहती है। इस मिसकंसेप्शन को बेटा लर्न करके रखना है कि जो भी इमेज होगी बेटा, आपका साइज होगा, उसकी इमेज जो बनेगी वो 50 सेंटीमीटर हाफ बनेगी, मतलब
अगर 1 मीटर है तो हाफ लिख दिया 50 सेंटीमीटर, अगर अगर 2 मीटर लिख दूंगा तो 1 मीटर आ जाएगा। इतना मिरर होना चाहिए तभी वो उसकी पूरी इमेज देख पाएगा, अदरवाइज वो उसकी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। क्लियर बेटा ये? यस सर। ओके, तो बेटा वर्चुअल को मैं थोड़ा सा बताया, रियल को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे कि रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। अब स्क्रीन का मतलब क्या हुआ बेटा, आप लोग मूवी थिएटर में जाते हो तो वहां पे इमेज कैसी दिखती है आपको, वहां पे कैसी होगी, रियल इमेज का के करके दिख रहा है कि वर्चुअल इमेज के करके दिख रही है? सर रियल। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वो रियल के करके दिखती होती है। बाकी बच्चे सोचना क्यों, ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती बेटा, उसका मैं लॉजिक दूंगा, थोड़े थोड़ा वेट करना भी। मिरर मेरे को स्टार्ट करने दो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे देखो बेटा, एंटर कर जाते हैं, ये मिरर का प्लेन मिरर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कर्व्ड, यस स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर, तो बेटा इसमें देखो कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है बेसिकली। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के लिए, मैं थोड़ा ना मेहनत कम करूंगा, पिक्चर ही ले लेता हूँ, यहाँ से शेप ले लेते हैं। ओके, तो बेटा ये स्फेरिकल मिरर है फॉर एग्जांपल, राइट, ये मैंने स्फेरिकल मिरर बना दिया। ओके, क्लियर बेटा? यस सर। तो बेटा इसका दिस पॉइंट इज द सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ओके, ये सेंट्रल पॉइंट आ गया। तो बेटा ये जो सेंट्रल पॉइंट दिख रहा है हमें, ये जो सेंट्रल पॉइंट दिख रहा है, तो अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमें पता है सर्कल की प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है, रेडियस। यस सर, नो? यस सर। रेडियस। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे सिल्वरिंग कर दूं, सिल्वरिंग कर दूं और इसके पीछे ऐसे ब्रश मार दूं और इसको पीछे से मतलब कलर कर दूं, तो बेटा अब यहाँ पे बताओ, यहाँ से बताओ, मैंने बाहर सिल्वरिंग कर दिया, तो ये कौन सा मिरर होगा? सर कॉनकेव। बेटा ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर कोई मिसकंसेप्शन भी रहती है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कॉनकेव को लिखने का तरीका ऐसे होता है वी, तो वी को बेटा बाहर से पॉलिश किया तो दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर, तो कभी कंफ्यूजन आएगी ही नहीं। सो ये कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर, ये बी बन रहा है, बी का ऐसे वाला पार्ट, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता इसके यहाँ से बेटा ऐसे, और यहाँ से मैं पॉलिश कर देता, तो ये जो पार्ट बनता, ये जो पार्ट बनता और ये सरफेस होता रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो मिरर होता है ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को करने का तरीका क्या, मैंने सिखाया, कॉन्वेक्स का एक्स ले लो, एक्स लिया और इसके बाहर पॉलिश कर दिया। यस सर, नो बेटा? यस सर। तो हमें पता चल गया, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, कॉनकेव मिरर ये होता है। ओके, तो बेटा स्पून की एग्जाम्पल दी जाती है, बच्चों को स्पून के साथ बताया जाता है, तो स्पून की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा जो उसका आउटर सरफेस होता है बेटा वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है, कौन सा सरफेस, आउटर सरफेस स्पून का, वो कैसा काम करता है बेटा, कॉन्वेक्स की तरह, और जो इनर सरफेस होता है वो किस तरह काम करेगा, शाबाश। तो ये स्पून की एग्जांपल ऐसे दी जाती है। अब स्पून को बेटा फील करो थोड़ा सा, अपने आंखों के सामने लेके आओ और देखोगे पीछे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब कि कैसे होता है, बल्ज होता है, कैसा होता है,
बल्ज आउटवर्ड्स। तो बेटा कॉनकेव मिरर जो है अंदर से बेटा ऐसे मान लो कि थोड़ा सा डिप्रेस किया होता है बेटा और बाहर से बल्जिंग सा फेस होता है। चलो आगे आते हैं बेटा, यहां तक समझ आ गया बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का? यस सर, यस सर। अब इसके पॉइंट बना लो बेटा, टाइम पास करते हैं। अब इसके पॉइंट बना के ये देखो, टाइम पास नंबर वन, इसको कहते हैं पी, ये भी आ गया पी, दोनों का सेम सेम पॉइंट पे बता देते हैं। तो पी पी क्या है बेटा यहाँ पे? पोल। पोल, वेरी गुड। पोल, तो बेटा ये देखो सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं? आर, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गई यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके तो बताओ अपर्चर क्या? अपर्चर 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 कौन है? अगर मैं बोलूं कि मैंने इतना मिरर ही बनाया इतने से लेके इतने तक, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे ए डैश पॉइंट और बी डैश पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द अपर्चर। ये क्या हो जाता है बेटा? अपर्चर। ए बी क्या आ गया? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? साइज ऑफ मिरर। क्या होता है? साइज ऑफ मिरर। अब बताओ इसमें एंगुलर अपर्चर क्या होगा? आप लोगों को करवाया हुआ है, शाबाश शाबाश, एंगुलर अपर्चर क्या होगा? एंगुलर अपर्चर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहां पे जो एंगल बनता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ से इसको डॉटेड लाइंस को इसके एंडिंग पॉइंट को जोड़ दूं और उसके बीच में एंगल ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर से भी थीटा नीचे से भी थीटा, टू थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी बेटा इमेजिनरी पार्ट से, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगुलर अपर्चर। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंडिंग पॉइंट ऑफ द अपर्चर विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। यस और नो? यस सर। ओके तो बेटा यहाँ पे देखो, तो एक इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तब तक रहेगी जब तक ये किसको कट करेगी? पोल को, और किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अगर ये इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को कट करना करने में मिस होगी तो हम इस इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे ही नहीं। समझ आ गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस मानने के लिए हमें दो चीजें, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, वो किस किस को कट करनी चाहिए बेटा? पहला पोल को और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर को। समझ गया बेटा? तो बताओ बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर अब डिफाइन करते हैं, हर एक टर्म को डिफाइन करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे? सर इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। वेरी गुड बेटा, द सेंटर ऑफ द होलो सरफेस ऑफ विच द कर्व और द स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स अ पार्ट। फिर से, सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, पूरा होलोस्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड, ये कर्व और द होलोस्फेरिकल सरफेस, जो भी होलोस्फेरिकल मिरर है, फॉर्म्स अ पार्ट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करोगे? सी हो गया पहला बेटा। बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करोगे? सर इट इज द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। गुड, और बताओ, एक और कर सकते हो, द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर बेटा? यस सर। अब बताओ पी पोल, पोल वाला पी पूरा लिख देता हूँ, पी प्रिंसिपल नाम मान लेना,
पोल बताओ बेटा। मिडल सर द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। नहीं 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 हाँ हाँ लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हाँ ऐसे ये वाला मिड पॉइंट ठीक है। अब अगला बताओ अपर्चर। बेटा आप लोग बता सकते हो शाबाश अपर्चर। सर द अपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर। साइज ऑफ द मिरर इज अपर्चर ऑफ द मिरर। सिंपल लैंग्वेज में बोलना तो द साइज ऑफ द मिरर इज अपर्चर ऑफ द मिरर, या फिर वो पार्ट जिस पार्ट पे इंसिडेंट रे की लाइट पड़े और उसके करके लाइट रिफ्लेक्ट करे उतना उतना पार्ट जिस पॉइंट तक वो लाइट इंसिडेंट मतलब की पड़ रही है उस पॉइंट तक का जो पार्ट होगा वो जो पार्ट होगा पूरा मिरर का उसको हम अपर्चर कहते हैं। इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। अपर्चर को द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल लिख देना ए बी जो है या ए डैश बी डैश वो क्या आ जाएगा दैट इज अपर्चर। अब बताओ प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी। A line that cuts the center of curvature and the pole. तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही है पॉइंट दैट कट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। या लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ठीक है इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा प्रिंसिपल फोकस को क्या डिफाइन करोगे। बिल्कुल सही बोला प्रिंसिपल एक्सिस अब दोनों ने। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा बेटा The point where all the reflected rays meet. After reflection, word you use करना बेटा, ठीक है? The point where all the ray meet after reflection. समझ रहे हो बेटा? अगर आपने after reflection word नहीं लिखा, तो वो गलत कर देंगे। सर मैंने reflected ray बोला था। अच्छा reflected ray बोला अच्छा अच्छा। जी। ठीक है? तो बेटा वो जो point है रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे आके मीट करे ना फोकस करे उसको हम प्रिंसिपल फोकस मानेंगे। अब बताओ बेटा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मिसकंसेप्शन पॉइंट को क्लियर करेगा आपका। बताओ फोकल प्लेन कौन सा होगा। फोकल प्लेन अब ध्यान से समझना बेटा एक अच्छी सी चीज समझो। नेक्स्ट पेज करते हैं। चलो ऐसे मानो ये आपका एक मिरर है। क्लियर बेटा यहां पे समझ गए। बेटा आप लोगों ने किया हुआ तो करके मैं आपको ऐसे समझा पा रहा हूं ठीक है क्योंकि ये मिरर है। मैंने कहा यहां से ना रे लाइट आई यहां से लाइट आई ऐसे इंफ्रारेड से ऐसे पड़ी यहां से आ रही ऐसे राइट बेटा। तो ये टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेगी। समझिए बेटा इस पॉइंट को क्या नाम दोगे। ये पॉइंट का नाम क्या आएगा फोकस। समझ रहे हो ना इस पॉइंट का नाम क्या है फोकस। ओके
तो बेटा दूसरा पॉइंट देखो अब यहाँ पे, अब मैं रे को ना ऐसे बेने के का ऐसे बे रहा हूँ रेड कलर की लाइट से, और इस बार रे टकराने के बाद इस पॉइंट से पास कर रही है, तो जिस पॉइंट पे रे मीट करती है इसको क्या कहते हैं बेटा, ये भी क्या है फोकस, यस और नो? यस सर, यस सर, ये भी फोकस हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे रे को ऐसे भेजता, थोड़ा अच्छे से भेजता ऐसे, ऐसे भेजता, और ये रे जो है टकराने के बाद यहाँ पे ऐसे मीट करती, तो इस पॉइंट पे भी जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज होती, इस पॉइंट पे जो मीट करता उसको क्या कहते हैं हम, फोकस, यस और नो? तो बताओ तीनों फोकस सही है, तीनों फोकस गलत है, तीनों फोकस सही है, तीनों फोकस गलत है, क्या हम ऐसे मान सकते थे? ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रक्स पॉइंट है बेटा। तीनों पॉइंट सही है, जो भी किया अभी तक बिल्कुल सही है, 100% सही है बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट इसकी इमेज का और रेड वाले का यहाँ पे जो बन रहा था, ये वाला पॉइंट और ये तीसरे वाली इमेज का पॉइंट, अगर इन तीनों को मैं डार्क कर दूं और मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दूं ऐसे, समझ रहे बेटा? तो बेटा यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ पे भी फोकस है, तो बेटा ऐसा प्लेन जिसमें हर पॉइंट पे हम फोकस बना सके, तो इसका मतलब अगर रे किसी और एंगल से आती थी यहाँ पे भी इमेज बन सकती थी, तो यहाँ पे फोकस बन सकता था, तो किसी और एंगल से आते यहाँ पे फोकस बनता था, पर फोकस हमेशा इसी लाइन पे बनता, यस और नो? फोकस मेरा हमेशा इसी लाइन पे बनता। तो बेटा ऐसा प्लेन जिसमें फोकस बने, ऐसा प्लेन जिसमें फोकस बने मतलब स्ट्रेट लाइन पे बने, इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फोकल प्लेन, ऐसे वाले प्लेन को हम कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ बेटा, यस और नो बेटा? यस सर। इसको बेटा लिखो डॉट डाल के, फोकल प्लेन को इसको आपने लिखना है, अ प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक सेकंड राइट क्या राइट, हां ठीक है, अ प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, थ्रू प्रिंसिपल फोकस, क्लियर, एंड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ आया बेटा? देखो तीनों के तीनों एक फोकस में से पास कर रहे हैं, तीनों के तीनों ये फोकस में से पास कर रहे हैं, मतलब वो प्लेन जो कि नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये देखो ये आपकी कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसके परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया बेटा, समझ आ रहा बेटा? एंड पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस था, यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल फोकस है, तो मतलब ऐसा एक प्लेन जो कि नॉर्मल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, इसके ऊपर
प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। यस और नो बेटा? यस सर। ओके, तो बेटा ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली जो लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ होती है? फोकल लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। इसको फोकल लेंथ। क्लियर बेटा यहां तक? यस सर।